ये है एक बहुत ही जाना माना रिकॉर्डिंग स्टूडियो और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार और सेक्सी हिप हॉप सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ जो मेरी आपबीती पर आधारित है। आप कह सकते हैं कि ये गाना मेरी आपबीती का निचोड़ है। इस गाने में मैं ये दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या सितम सहे हैं और मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं और क्यों मुझे कंट्रोवर्शियल बेब कहा जाता है। असल में सच कंट्रोवर्शियल होता है, सच्चाई कंट्रोवर्शियल होती है और क्योंकि मैं सच बोलती हूँ इसलिए मुझको कंट्रोवर्शियल बेब कहा जाता है। तो इस पर मैं और रोशनी डालना चाहूँगी अपने इस हॉट एंड सेक्सी हिप हॉप सॉन्ग के माध्यम से। मैंने ये तय कर लिया कि अब जब जब मैं आपके सामने आऊँगी तो ग्लैम डॉल बनकर आऊँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सजना संवरना, हर लड़की को अच्छा लगता होगा। एंड यस, जिम जाना, फिट रहना, अच्छा खाना, अच्छा काम करना, अच्छा बोलना एंड अच्छे दोस्त बनाना। किसको किसका लुक नापसंद है? उर्फी को रणबीर का लुक नापसंद है। रणबीर कपूर ने टिप्पणी की उर्फी जावेद के बारे में, अगर वो उर्फी जावेद के हित में नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं उस टिप्पणी की निंदा करना चाहूँगी क्योंकि मैं उर्फी को पसंद करती हूँ। देखिए, वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है, इसमें बुराई क्या है? क्या वो किसी के साथ चीटिंग कर रही है? क्या किसी को दगा दे रही है? नहीं ना, बस उसके जीने का अंदाज़ कुछ निराला है, अलग है। सो बी इट, अगर आपको उनके कपड़ों से दिक्कत है तो आप उन्हें ना देखें, आंखें बंद कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि किसी के निजी ज़िंदगी के बारे में या किसी की छवि के बारे में टिप्पणी करना मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जब तक हम किसी को जानते ना हो, पहचानते ना हो, उनके चरित्र से वाकिफ ना हो, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी, रोज़े की बात हो रही है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये तय किया है कि मैं भी बहुत जल्द एक या दो रोज़े रखना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि नमाज अदा करूँ और फिर इफ्तारी करूँ अपने दोस्तों के साथ। इस अनुभव का मैं लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक इंसान भूखा रहता है और अल्लाह को याद करता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और शाम को इफ्तारी के समय वो रोज़ा खोलता है खजूर खाकर और कुछ फल खाकर, और उसके बाद जो डेलिकेसीज का सेवन किया जाता है जैसे कबाब वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों का मुझे लुत्फ़ उठाना है रोज़ा खोलने के बाद। तो बहुत जल्द आप मुझको रोज़ा करते हुए देख सकते हैं। यस, बहुत जल्द आप देखेंगे मेरी 3 शॉर्ट फिल्म्स एक ज़बरदस्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और मेरे 2 म्यूज़िक वीडियोस, और इसके अलावा एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले मुझको एक बहुत ही अनोखा और निराला अवतार में देखें। कीप फिट बोथ मेंटली एंड फिजिकली। निरंतर रूप से व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि व्यायाम करने से हम सिर्फ फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी फिट होते हैं। ये मेरा निजी तजुर्बा है और मैं चाहूँगी कि हम सब खुशहाल रहें और रोज़े के दिन चल रहे हैं। इस पावन पर्व पर, रमज़ान के पावन महीने में, हम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, ख़ुद को बेहतर बनाएँ, बदलाव लेकर आएँ। और ईद के दिन मैं चाहूँगी कि हम सब पहले से ज़्यादा समझदार हों, पहले से ज़्यादा हम अल्लाह के और करीब हों। बस इसी नोट पर, इस बहुत ही प्यारे नोट पर मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ।